कोरिया से है, जहां कोरिया जिला मुख्यालय में शहर के सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों व राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। वहीं देर रात हाईवे पर बैठ रहा मवेशियों का झुंड दुर्घटना का शिकार बनता जा रहा है। यह समस्या स्कूल पारा, बस स्टैंड कुमार चौक, खरवत महल पारा रोड व अन्य मार्गों पर दिखाई देती है। मवेशियों को नगर पालिका कर्मियों द्वारा खदेड़े जाने के बावजूद वे देर रात सड़क पर अपना जमावड़ा लगा देते हैं। वहीं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की सड़क पर मवेशियों के विचरण से राहगीरों को आने जाने में और जानवरों का भी भय बना रहता है। इन्हें सड़क से भगाने की कोशिश में ही दुर्घटना घट जाती है। वहीं मवेशी मालिकों द्वारा ऐसे मवेशियों जो दूध नहीं देते हैं उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है या ग्रामीण इलाकों से हाँक कर शहर की ओर खदेड़ देते हैं। खेती के बाद वे अपने अपने मवेशियों को वापस ले जाते हैं। वहीं ग्रामीण पशुपालकों की इस बेपरवाही के कारण प्रशासन को समस्या आती है। वहीं बारिश के दौरान सड़क पर बैठे मवेशियों से वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह ने कहा कि जिले में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से मवेशियों को हटाने के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। तहसीलदार बैकुंठपुर, तहसीलदार सोनहत ने 21 पशुपालकों को नोटिस भी जारी करते हुए समझाइश दी है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, कोरिया जिले में जो हमारा एनएच है और जो भी स्टेट हाईवेज हैं, इसके आसपास जहाँ से मवेशी आते हैं, तो हमारी टीम जो है दोनों जनपदों में और नगर पालिका में हमने बनाई है, जो कि बेसिकली रात को नाइट पेट्रोलिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि रात के टाइम पे अधिकतर मवेशी हमारे रोड पे आते हैं और जो भी इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है, हमारा जो ज़िला प्रशासन का ग्रुप है, हम वहाँ पर फोटोग्राफी मंगाते हैं। हमारा मेन प्रयास यही है कि जो पशुपालक हैं वो थोड़े सचेत रहें, क्योंकि ऑलरेडी हम फाइन भी इसमें काट रहे हैं और 50,000 से अधिक हमने फाइन भी वसूल कर लिया है। प्रयास हमारा यही है कि जो NH प्लस स्टेट हाईवेज के साथ के जो गोठान हैं उनको हम एक्टिवेट करें, और यदि कोई स्वयंसेवी संस्थान वहाँ पे अपने खर्चे पे इन मवेशियों का पालन पोषण करना चाहता है तो हम उनसे बात करेंगे और इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करेंगे। बाकी निरंतर हमारा प्रयास यहाँ पे जारी है और दोनों तहसीलदार हमारे बैकुंठपुर है और तहसीलदार सोनत, इनके द्वारा 21 पशुपालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। हम चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस में इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैलाएँ और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग जो हैं वो खुद से ही उनके जो पशु हैं उनको आवारा ना छोड़ें और ऐसी कोई दिक्कत जो है वो जैसे कि सड़कों पर मवेशी आके बैठते हैं वो उत्पन्न ना हो और किसी भी टाइप की जनहानि जहाँ पर